हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर प्रिया शर्मा। हम आज पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं ऑलरेडी आपको इसके कुछ टॉपिक्स जो है वो करवा चुकी हूं। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है, जो इसे हर्ट भी बोलते हैं हम इस टॉपिक को, वो है मोल कंसेप्ट। क्या है मोल कंसेप्ट? हम आज पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर बताया था कि जो मोल कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जेईई में और नीट पे भी पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोल कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना है और फिर हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखिए क्या है मोल कंसेप्ट के अंदर, हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि मोल क्या है। बेसिकली मोल क्या है, देखिए सबसे पहली बात कि मोल क्या है, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, हम इस बात पे ध्यान देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप इसे 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हो, मोल के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको उसी क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर, जो बच्चे अगर कुछ फ्रेश हैं जिनको नहीं याद 9th में क्या पढ़ा था मोल, मैं उनके लिए दोबारा आपको बता दूं कि मोल क्या है, क्यों हमने मोल को इन्वेंट किया, कैसे ये मोल आया। तो देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल साइज में बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और चूंकि ये साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो इसलिए इनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सपोज टू बी मैं अगर एक मुट्ठी में कोई भी एटम्स ले लूं, कोई भी सब्सटेंस है जिसको मैंने भरकर एक मुट्ठी में ले लिया, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए हम थोड़े अमाउंट में भी अगर सब्सटेंस को लेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है एटम्स आ जाएंगे या फिर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, या मैं बोलूं पार्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे कि नमक है, नमक को आप मुट्ठी में लीजिए, आप चाहे थोड़ा सा भी नमक लोगे ना, तो फिर उसके जो पार्टिकल्स है नमक के छोटे छोटे छोटे, वो कितने सारे आएंगे, वो आप गिन पाओगे क्या? नहीं गिन पाओगे। तो इसलिए हमने एटम या फिर मॉलिक्यूल, इनको काउंट करने के लिए बेसिकली इनकी एक यूनिट डिफाइन करी हमने। हमें पता तो लगे कि अगर हमने एक पर्टिकुलर जो है सब्सटेंस लिया है, उसमें एटम्स कितने हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, या फिर उसमें एंटिटी कितनी है टोटल, हमें पता तो चले। तो इन सब चीजों के लिए जो है मोल को हमने इन्वेंट किया था बेसिकली। अब सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो एटम है, मॉलिक्यूल है, हमने इसकी यूनिट जो है मोल, मोल के रूप में हमने इसकी यूनिट ली। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोल में कितनी एंटिटीज होती है, एक मोल में कितनी एंटिटीज होती है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे पूछती हूं कि मुझे बताएं, एक डोजन में यानी एक दर्जन में कितने आइटम्स आते हैं? एक दर्जन केले में कितने केले आते हैं? 12। कितने आते हैं? 12। 12 आइटम्स आते हैं, ठीक है, फिक्स है ना, ये हमने फिक्स कर लिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि वन पेयर में कितने आइटम्स आते हैं, एक जोड़ी में कितने आइटम्स आते हैं, आप क्या बोलोगे? मैम दो, दो आइटम्स आते। ऐसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि जो मोल है वो इसका अमाउंट है, उसकी यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो सब्सटेंस का अमाउंट है उसकी यूनिट हमने ली है, एसआई यूनिट जो है हमने ली है, उसे हमने मोल कह दिया, ये बात हमें समझ में आ गई है। बट आप मुझे बताइए, जैसे वन डोजन में 12 आइटम्स है फिक्स है, वन पेयर में 2 आइटम्स है फिक्स है, तो भाई वन मोल में कितनी एंटिटीज हैं, कितनी एंटिटीज हैं, ये हमें नहीं पता। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए कि वन मोल में कितनी एंटिटीज है, हमें ये तो पता चले कि भाई जो वन मोल है एग्जैक्टली हमने उसको किससे कंपेयर किया है, उससे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई वन मोल को हमने डिफाइन कैसे किया है। तो देखिए यहां पर, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, वन मोल जो है इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स
as many particles or entities as there as atom in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. ठीक है, पहली बात कि जो 1 मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है. बात आ गई समझ में. अब ये किससे कंपेयर कर रहा है, इसमें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, या मैं बोलूं कितनी एंटिटीज हैं, वो किसके बराबर है. 1 मोल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो किसके बराबर है. बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, 1 मोल में पार्टिकल्स किसके बराबर है. एग्जैक्टली एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12, या मैं बोलूं 12C आइसोटोप. बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है, बस यही एक पूरी डेफिनेशन ये कह रही है. 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ 12C आइसोटोप. क्योंकि कार्बन के भी आपको पता है 3 आइसोटोप होते हैं, 13C 14C, और हम जिससे हमने कंपेरिजन किया है 12C आइसोटोप. ठीक है, तो सिंपल सी ये बात है. तो अब हमें अगर ये पता लगाना है कि 1 मोल में बेसिकली पार्टिकल्स या एंटिटीज है कितनी, तो हमें उससे पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई एटम्स कितने हैं 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में. ठीक है, C यानी कार्बन, कितने हैं एटम्स. तो चलो पहले हम ये निकालते हैं, और फिर उससे हमें डायरेक्ट अगर ये निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 मोल में कितने हमारे पार्टिकल्स या एंटिटीज होती हैं. तो चलिए हम पहले इसे कैलकुलेट करते हैं, इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने बेसिकली पार्टिकल्स हैं, मैं बोलूं एटम्स हैं किसमें, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में. देखिए, अगर हमें ये निकालना है कि कार्बन 12 जो हमारा आइसोटोप था उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम कितना है. भाई मास, एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है, तो हमने इसे कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई 1.992648 मल्टीप्लाई बाय 10^-23 ग्राम. वैसे ही हम अगर बात करें, आपको पता है मैंने बताया भी था कि 1 मोल ऑफ कार्बन वेट कितना है, एक कार्बन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन वेट मतलब कि कार्बन के एक मोल में कितना वेट है, 12 ग्राम अभी बात की थी हमने. तो आप मुझे बताइए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, नंबर ऑफ एटम्स. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 12 ग्राम. अच्छा, ये 12 ग्राम पर मोल रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन वेट है तो 12 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में 12 ग्राम है, एक मोल में कितना वेट है, 12 ग्राम का. ठीक है, तो 12 ग्राम पर मोल रहेगा. तो ठीक है, तो देखिए 12 ग्राम पर मोल अपॉन 1.992648 × 10^-23 ग्राम. कैलकुलेट करेंगे अगर इसे, इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, ठीक है, ये 23 ऊपर आ जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 6.022 × 10^-23 पर मोल, पर मोल. तो ये हमारी जो है वैल्यू आएगी किसकी, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप. ठीक है, हमने निकाल दिया भाई कितने एटम्स हैं, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप में कितने एटम्स हैं, हमें पता चल गया 6.022 × 10^-23 पर मोल. तो देखिए, इससे हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ एंटिटीज या पार्टिकल्स इन 1 मोल कितने हैं. मैंने आपको बताया था ना कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या कितनी एंटिटीज, ये हमारा क्वेश्चन था. तो उसका आंसर है ये 6.022 × 10^-23. अगर पार्टिकल्स पूछा है तो ये पार्टिकल्स है, एंटिटीज पूछी है तो ये एंटिटीज है, एटम्स पूछे हैं तो ये एटम्स है, और अगर मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, कितनी एंटिटीज या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसका आंसर है 6.022 × 10^-23. और 1 मोल में कितनी एंटिटीज या पार्टिकल्स हैं,
ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अवोगैड्रो नंबर या मैं बोलूं अवोगैड्रो कांस्टेंट जो है कहा गया। देखिए अवोगैड्रो कांस्टेंट किस नंबर को कहा गया, इस नंबर को, और इसका जो अपना सिंबल है वो होता है एन ए से, ठीक है। और क्या क्या कहा गया, 6.022 10^23 मोल पर मोल होता है ना, तो मैंने मोल के ऊपर पावर लगा दी -1, ये अवोगैड्रो कांस्टेंट है। अब देखो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, अवोगैड्रो कांस्टेंट और अवोगैड्रो नंबर में क्या अंतर है। तो देखिए जो अवोगैड्रो कांस्टेंट होता है उसमें हम ये, तो अगर हम ये लगा देना अवोगैड्रो कांस्टेंट में अगर हम यूनिट लगा दें पर मोल, तो वो हो जाएगा अवोगैड्रो कांस्टेंट इस नंबर के आगे। और सिर्फ अगर हम इस नंबर की बात करें ना, अगर क्वांटिटी की बात करें, सिर्फ क्वांटिटी की, कितने पार्टिकल्स कितने नंबर, तो ये हो गया अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रोस नंबर। अवोगैड्रो नंबर बोले तो सिर्फ आपको इतना बोलना है 6.022 10^23 बोले अवोगैड्रो कांस्टेंट, तो आपको उसके आगे यूनिट लगा देनी है क्या, पर मोल। सिर्फ यही अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अवोगैड्रो कांस्टेंट, अवोगैड्रो नंबर और नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है 1 मोल में, ये मैंने आपको बता दी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए कैसे मैं बताती हूं आपको, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो 1 डोजन है उसमें कितने आइटम्स होते हैं, 12 आइटम्स, ठीक है, फिक्स है ना ये बात। अब चाहे हम बात करें 1 डोजन में 12 बनाना की, चाहे हम बात करें 12 किसी भी चीज की, मान लो बॉक्स की 1 डोजन, ठीक है, चाहे हम बात करें 12 पेन की 1 डोजन में, ये फिक्स रहेगा कि 1 डोजन में 12 बनाना, 1 डोजन में 12 बॉक्स और 1 डोजन में 12 पेन होते हैं। ऐसे ही फिक्स रहेगा कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, या नीचे लिख रही हूं ऑफ अ सब्सटेंस, यहां बात करूं 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 10^23। अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम्स के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स के 1 मोल में कितने एटम होते हैं, आप कहोगे 6.022 10^23 एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम के 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। मैं बोलूं अगर 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, भाई सीधी सी बात है 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या मैं बात करूं 1 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि भाई 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर H2O मॉलिक्यूल्स। या मैं बात करूं 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सीधी सी बात है 1 मोल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, आंसर हमारा रहेगा 6.022 10^23 CO2 मॉलिक्यूल्स। बात आई कि समझ में, सेम इसकी तरह 1 डोजन में कितने बनाना होते हैं 12, 1 डोजन में कितने बॉक्स होते हैं 12, 1 डोजन में कितने पेन होते हैं 12, वैसे 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, 1 मोल में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपके सामने है। तो इस तरीके से जो बेसिकली कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसमें अगर 1 मोल में मैं उसकी नंबर पूछूं तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ इतना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। क्या होता है बेसिकली मोलर मास, मोलर मास मास ऑफ अ ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन
grams known as molar mass. ठीक है, एक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है वो भी ग्राम्स में, उसे हम कहते हैं मोलर मास. मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स नोन एज मोलर मास. और आपको मैं बताऊं, मोलर मास जो होता है ना वो न्यूमेरिकली मैं बात करूं अगर, तो वो एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास या फॉर्मूला मास इनके बराबर होता है. जैसे कि मैं बात करूं कि H2O का मोलर मास कितना होगा, ये होगा 18.02 ग्राम. क्या बोलूं, 18.2 ग्राम. ये हो गया वाटर का मोलर मास. तो आपको ये आई होप मोलर मास की जो टर्म है वो समझ में आई होगी. अब मैं आपको बताऊंगी जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं न्यूमेरिकली, जब अगर हमें दे दिया हो पार्टिकल्स के फॉर्म में, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल दे दिए हो और हमें कह दिया हो कि भाई नंबर ऑफ मोल बताइए इसमें कितने हैं, तो हम कैसे निकालें. अगर हमें दे दिया कि भाई पर्टिकुलर वेट है किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में और आप निकालिए इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. अगर हमें कोई भी गैस का वॉल्यूम दे दिया और हमें बोल दिया कि भाई आप निकालिए मोल कितने हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी भी गैस के, तो हम कैसे निकालेंगे. तो देखिए, मोल जो है बेसिकली वो तीन टाइप से हम निकाल सकते हैं. जनरली मैं इसे बोलूंगी नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से. पहला होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, मैं बोलूं पार्टिकल्स. दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज इन ग्राम. थर्ड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज इन लीटर. अब देखिए, बात करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज. मैं बात करूं अगर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, तो देखिए क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स. आपको किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी दे दी, पार्टिकल्स दे दिए और पूछ लिया कि भाई बताइए आप नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस के, तो आप क्या लिखोगे. क्वांटिटी को मैं क्यू से लिख रही हूँ, क्यू. इस क्वांटिटी को मैं सिंबल दे रही हूँ क्यू. वेट को मैं सिंबल दे रही हूँ डब्ल्यू. वॉल्यूम को मैं सिंबल दे रही हूँ वी, ताकि आपके लिए याद करना इजी रह जाएगा. क्यू अपॉन अवोगाड्रो कॉन्स्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को मैंने क्यू लिख दिया है, क्यू अपॉन एन ए. ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया था इस पिछले लेक्चर में. दोबारा इसलिए बता रही हूँ अगर कोई स्टूडेंट एग्जैक्टली अगर वही लेक्चर देख रहे हैं तो. ठीक है, बात करें वेट की. अगर आपको गिवन वेट दे दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे लिखोगे. गिवन वेट किसमें, ग्राम्स में, ऑब्वियस सी बात है ग्राम्स में. और एटॉमिक मास या मैं बोलूं मॉलिकुलर मास किसमें, ग्राम पर मोल में. गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तब हमारा वेट में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. फिर अगर बात करें वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम अगर किसी भी गैस की हम बात करते हैं तो वो निकलता है STP पे, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. वॉल्यूम इन लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी जो एक वैल्यू निकल के आएगी उसकी निकल के आती है कि भाई वन मोल में, किसी भी वॉल्यूम के वन मोल में कितना होता है, बेसिकली कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर एट STP. ये बात आप ध्यान रखिएगा. वन मोल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, कितना लीटर होता है बेसिकली, 22.4 लीटर एट STP. तो इसी से अगर मैं निकालू इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, जिसको हम बोल देते हैं. ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है. तो ये तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, तो अब आप देख लीजिएगा इसको. इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, ये आपका पूरा है. देखिए, वन मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकाले उस गैस के, तो वॉल्यूम हमें जो जितना दिया हुआ है लीटर में, अगर ml में दे रखा है तो आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है.
और 22.4 लीटर पर मोल से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तीनों फॉर्मूले हमारे सामने हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।